नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल हिंदी न्यूज। तो आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं फिल्मी दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर जिन्होंने मचा दिया है बॉलीवुड में हड़कंप। इसके बाद इन खबरों का विस्तार से करेंगे विश्लेषण। वार बनी साल 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई सैफ अली की लाल कप्तान। सलमान खान के बॉडीगार्ड बनने से पहले ये काम करते थे शेरा, जाने सोहेल खान ने इन्हें क्यों चुना। बीवी के साथ सलमान खान को मर्दाना कमजोरी की दवा बेचने पहुंचा था ये एक्टर। पहली फिल्म की बातें करते भावुक हुई रानी मुखर्जी, रिलीज के दिन हुई थी पिता की बाईपास सर्जरी। जब शो में सेक्स लाइफ पर पूछा गया सवाल तो अभिनेत्री बोली, इसमें दो आत्माएं शामिल होती हैं। तो आइए अब जानते हैं इन खबरों की असली सच्चाई के बारे में। मैं तेरा हीरो, रुस्तम, मुबारका, बादशाहो और रेड जैसी फिल्मों में अभिनय से लाखों दिलों को जीतने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने सेक्स लाइफ को लेकर बड़ी बात बोली है। इलियाना अपनी फिल्मों के अलावा बयान देने की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उन्होंने सेक्स लाइफ को लेकर ऐसी बात बोल दी जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इलियाना डिक्रूज हाल ही में गायिका शिवानी दांडेकर के शो द लव लाफ लाइव शो में पहुंची। यहां इलियाना डिक्रूज ने फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी के बारे में ढेर सारे खुलासे किए। शो में शिवानी दांडेकर ने इलियाना डिक्रूज को उनका एक बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्स का प्यार से कोई मतलब नहीं होता। इस बात को याद दिलाते हुए शिवानी दांडेकर ने इलियाना से उनकी सेक्स लाइफ को लेकर बात की। इलियाना डिक्रूज ने शिवानी दांडेकर की इस बात का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, शायद मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है, हो सकता है कि मैं किसी और बयान को कोट कर रही हूँ जो मुझे पसंद आया हो और उसमें कहा गया हो कि मैं सेक्स को एंजॉय करती हूँ और इसे वर्कआउट की तरह लेती हूँ, मुझे यह ठीक नहीं लगता। अपनी बात को विस्तार में बताते हुए इलियाना डिक्रूज ने कहा, मेरा मतलब है मेरे ख्याल से आपको सेक्स को एंजॉय करना चाहिए लेकिन इसके लिए कुछ भावनाएं भी होनी चाहिए। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स करना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दो आत्माएं शामिल होती हैं। इसके अलावा इलियाना ने अपने ब्रेकअप को लेकर भी ढेर सारी बातें बताई। गौरतलब है कि इलियाना और उनके बॉयफ्रेंड के बीच काफी झगड़ा हुआ, इसके बाद दोनों में से कोई भी सुलह के लिए राजी नहीं हुआ और ब्रेकअप कर लिया। वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में सराहे जाने के बाद सैफ अली खान बड़े पर्दे पर फिल्म लाल कप्तान से लौटे हैं। फिल्म की क्रिटिक्स ने मिले जुले रिएक्शन दिए हैं, हालांकि दर्शकों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। यही नहीं, फिल्म को छुट्टियों का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखा। boxofficeindia.com वेबसाइट के मुताबिक ओपनिंग डे पर लाल कप्तान 50 लाख रुपए ही जुटा पाई। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं लेकिन फिल्म अभी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। खासकर फिल्म के एक्शन सीन्स फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे। रविवार को वीकेंड के मौके पर फिल्म ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। वॉर ने रविवार को 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई है। फिल्म 2 अक्टूबर को छुट्टी के दिन रिलीज हुई थी जिसका फायदा भी इसे मिला। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हाल ही में शेरा उस समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ज्वाइन कर ली। इस मौके पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। शेरा उनके निवास पर पहुंचे थे जहां उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और मौनी राय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मेड इन चाइना के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस फिल्म में राजकुमार ने एक गुजराती बिजनेसमैन का किरदार निभाया है। इसी के चलते दोनों स्टार सलमान खान के पास पहुंचे और उन्हें अपना मैजिक शो बेचने की कोशिश की। राजकुमार राव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह सलमान खान को अपना मैजिक शो बेचते नजर आ रहे हैं। वह सलमान से कहते हैं कि उनका शो मर्दों की कमजोरी को दूर कर अंदर के शेर को जगा देता है। पहली हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात की 23वीं वर्षगांठ पर रानी मुखर्जी ने एक छोटी कहानी साझा की जो निश्चित रूप से हर किसी के दिल को छू जाएगी। इस मर्मस्पर्शी स्मृति को साझा करते हुए रानी कहती हैं, राजा की आएगी बारात की सबसे यादगार स्मृति उनकी रिलीज का दिन था। मेरे पिताजी राम मुखर्जी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। हालांकि वह उस दिन ऑपरेशन के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वह मेरी पहली फिल्म की रिलीज का इंतजार करना चाहते थे। रानी बताती हैं, मेरे पिता को सर्जरी के लिए ले जाया गया
और इसके बाद वह अगले दो दिन तक आईसीयू में बेहोश रहे। जब उन्हें होश आया और वह थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या फिल्म रिलीज हो गई और वह कैसी चल रही है। मुझे याद है कि उस दिन जब मैं उन्हें घर वापस ले गई तो उन्होंने जोर से कहा कि वे बांद्रा के मशहूर सिनेमाघर गेयटी गैलेक्सी जाकर दर्शकों के साथ फिल्म देखना चाहते हैं। वह व्हीलचेयर पर थिएटर गए और वहां दर्शकों की प्रतिक्रिया देखते रहे। वह उस दिन एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। राजा की आएगी बारात से जुड़ी यह मेरी एक ऐसी याद है जिसे मैं पूरे जीवन कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की चटपटी कुछ खबरें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।